ऋतिक रोशन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में शायद साढ़े साथी चल रही है। एक तरफ तो पत्नी सुजन से डिवोर्स और कंगना रनौत की ओर से लगातार हो रही आरोपों की बौछार ऋतिक को सांस भी नहीं लेने दे रही, तो दूसरी तरफ उनकी कई सारी फिल्में सुपर फ्लॉप हो रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी कई बिग बजट फिल्में सुपर फ्लॉप होने की वजह से अब भी ऋतिक का हाल काफी बुरा है। उनकी आखिरी सुपरहिट फिल्म थी बैंग बैंग। ये फिल्म भले ही 100 करोड़ कमा चुकी हो, लेकिन फिल्म का बजट भी 100 करोड़ के करीब था, यानी फिल्म एवरेज ही रही। मोहनजोदड़ो फिल्म तो पहले ही दिन फ्लॉप रही। ऋतिक को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, मगर मोहनजोदड़ो को वो जल्द ही भुलाना चाहेंगे। इसके अलावा संजय लीला भंसाली की गुजारिश भी इसी कैटेगरी की एक फिल्म थी। दर्शक ऋतिक को व्हील चेयर पर बैठा देख नहीं पाए। साथ में ऐश्वर्या राय होने के बावजूद फिल्म सुपर फ्लॉप रही। कहने को तो हाल ही में आई फिल्म काबिल ठीक ठाक चली, लेकिन ऋतिक के रुतबे के हिसाब से ये फिल्म सुपरहिट नहीं कही जा सकती। बॉलीवुड में कई सारे सुपरस्टार्स इस वक्त बिना फिल्म के बैठे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि ऋतिक का नाम उनमें न जुड़े।